हेलो माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ठीक ठाक होंगे। और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन स्टेलोपाम एक्सेलेट टैबलेट के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में फॉलो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। सेस्टेलो 10 मिलीग्राम इस टैबलेट के कंपोजिशन है और ये टैबलेट 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है। और इस टैबलेट का जनरल काम डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और एबट फार्मास्यूटिकल इसको तैयार करती है। वेज, डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, अब मज़ीद तफसील से जानते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये टैबलेट जहनी बेचैनी के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसके अलावा जो लोग हर वक्त सोच और फिक्र में मुब्तला रहते हैं उन लोगों के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, उनके लिए भी बेहतरीन टैबलेट हैं। यानी व्यूअर्स, जो लोग हर वक्त किसी ना किसी बारे में सोचते हैं और फिक्र करते हैं, चाहे वो काम के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं या फिर अपने कारोबारी के लिए सोते रहते हैं, यानी किसी ना किसी बारे में सोते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद और बेहतरीन टैबलेट है। व्यूअर्स, डिप्रेशन में ये होता है कि दिमाग पर हर वक्त बोझ सा रहता है और खौफ सा महसूस होता रहता है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं और डिप्रेशन के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। और ये टैबलेट जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हों और जल्दी जल्दी बात बोल जाते हों तो उनके लिए भी मौसर हैं। और इसके अलावा माइग्रेन के दर्द के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। यानी व्यूअर्स, दर्द शकीका जिसे कहते हैं, ये दर्द सर के आधे हिस्से में होता है तो इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा जो लोग शराब नोशी, अल्कोहल या किसी किस्म का नशा छोड़ जाते हैं वो लोग ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और आप जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं, ज़्यादा पसीने का आना हो सकता है, मतली और उल्टी हो सकती है, सर का दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन का तेज़ होना हो सकता है, मुंह का खुश्क होना हो सकता है और इसके अलावा पेट में दर्द का होना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें। और अब जानते हैं इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जिनके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना ममनू है। ड्राइविंग करते वक्त ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, मशीनरी पर काम करते वक्त भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, और हमला ख्वातीन इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें, और इस टैबलेट का इस्तेमाल हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, यानी वो लोग जो इस टैबलेट के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस टैबलेट के और आप जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।